अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रैप। उसके लिए सबसे हमें पहले हम तैयारी कर लेंगे पीता ब्रेड की। हमें चाहिए 1 कप और दूध रूम टेम्परेचर पे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लीस्ट। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। ये हम लिक्विड मिक्सर बना रहे हैं तकरीबन 1/2 kg मैदे के लिए। आप चाहें तो आप 1 कप दूध की जगह 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह इसको रेडी करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के एक साइड पे रख देंगे। अब हमने लिया है 1/2 kg मैदा। उसमें हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट की ऐड कर ली है। इसको हल्का सा मिक्स देने के बाद हम अब इसमें अपना लिक्विड मिक्सर डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। पीता ब्रेड के लिए रेडी किया हुआ आटा अगर आपका बच भी जाए तो इस आटे को आप अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं और इसको अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से कुछ देर पहले आप इसको निकाल लें और इसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आने दें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये थोड़ा सा राइस हो जाएगा दोबारा से और फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे, मगर इसको एक से अगले दिन ना रखें। इसको अच्छे तरीके से इस तरह आटे की तरह ही हम मुक्की दे देंगे। उसके बाद ढक के हम इसको इसी वार्म जगह के ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि आपका आटा भी इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। एक बार आपका आटा राइज हो जाएगा तकरीबन 1 घंटे के बाद, तो आप इसको इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर लेंगे, मगर इसको दोबारा हमने मुक्की नहीं देनी। अब हम छोटे छोटे से पेवे बना लेंगे। खुश्के के लिए भी हम मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह ही हम इसको अब बेल लेंगे। हमने इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना, बिल्कुल रोटी की तरह ही इसका बनाना है। उसके बाद हमने फोक की मदद से इसके अंदर इस तरह होल कर लेने हैं। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे और जब तक इसके अंदर ऐसे बबल्स नहीं आएंगे हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब इसको हम साइड चेंज करके मज़ीद 20-25 सेकंड के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से दबा कर पका लेंगे। रोटी की तरह हम तवे को पीछे करके उस तरीके से इसको नहीं बनाएंगे। और आपकी पीता ब्रेड रेडी है। अब हम चिकन की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। हमने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे। हम उसके अंदर 1 टीस्पून सिरका ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी पसंद के हिसाब से नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और तंदूरी मसाला
ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करके अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने तकरीबन 450 ग्राम्स जो चिकन बोनलेस मैरिनेट करके रख देना है। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको हाफ एन आवर के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम ग्रीन पैन ले लेंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको इस तरह से बना सकते हैं। हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अपने मैरिनेशन के अंदर भी ऑयल का यूज़ किया है। अब हमने पूरा एक पहला बैच डाल देंगे बोनलेस का और दही के सूखने तक इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट के देख लेंगे। बोनलेस बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। ये तो 5 से 8 मिनट के अंदर आपका ये बोनलेस रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा बोनलेस रेडी करने के बाद उसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। आपका बोनलेस भी रेडी है। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैसे चाहें इसको बना सकते हैं। कैचअप मायो लगा कर तो उसमें हम अपने बोनलेस पीसेस रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ी धनिया पुदीने की चटनी ऐड कर लेंगे और इसको रोल करके बहुत ही मज़े से खाएंगे। मैं आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन भी दिखाऊंगी आपको जो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया। अब दूसरा ऑप्शन हमने ये लिया है कि हमने तवे के ऊपर ही इसके ऊपर कैचअप इमली की चटनी और यहाँ पे आप बोटियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, शामी कबाब भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक आप जो चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी धनिया पुदीने की चटनी ऐड की है। फिर मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी, थोड़े से कीवे ऐड करूँगी, सैलेड लीव्स हैं, तो ऐसे सब्ज मिर्ची ऐड करूँगी। तो मैं अपने फ्लेवर के अपनी पसंद के हिसाब से जितना चाहूँ इसको स्पाइसी और जितना चाहूँ इसको प्लेन भी रख सकती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसने अपनी पसंद के फ्लेवर्स ऐड करके इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।